नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी सहेली चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे प्याज के पत्ते और मूंग दाल की सब्जी। इसे मराठी में कांद्याचे पात और इंग्लिश में स्प्रिंग अनियन लीव्स कहते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर 500 ग्राम स्प्रिंग अनियन लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। स्प्रिंग अनियंस के सफ़ेद हिस्से को आप अलग कर लें और उसे अच्छी तरह से चॉप कर लें और साइड में रख दें। फिर हम जो हरा हिस्सा है उसे भी चॉप कर लेते हैं। ये सब्ज़ी बनाने के कई तरीके हैं। अगर आप मूंग दाल के साथ बना रहे हैं तो याद रखें, आधा कप मूंग दाल को अच्छे से धोकर उसे कम से कम 15 मिनट तक पानी में भिगो के रखें। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है और उसमें एक टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियों को भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, जो कि है राई। फिर इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ आधा चम्मच जीरा। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप और मिर्ची ऐड कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को लो पर ही रखें। अब सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे भिगोया हुआ मूंग दाल। मूंग दाल ऐड करने के बाद हमें इसे धीमे आंच पर 5 मिनट तक पका लेना है। मूंग दाल को पानी में भिगोने के वजह से जब तक ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी ये दाल भी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 1 मिनट तक धीमे आंच पर ही पका लेते हैं। कभी कभी हरे प्याज के जो पत्ते हैं उसके साथ में जो प्याज होते हैं वो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। अगर आपको उस तरह से मिला है तो आप ये प्याज के साथ नॉर्मल वाला प्याज को भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और प्याज को ऐड करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक धीमे आंच पर ही इसे पकने देना है। मैं जब भी स्प्रिंग अनियंस की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं प्याज का इस्तेमाल कम और पत्तों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। प्याज पक चुका है तो अब हम इसमें पत्तों को ऐड कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल देखने में तो पत्तों की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन हरे पत्तों की खूबी यही है कि जैसे ही हम उसे गैस पर पकाने शुरू करते हैं तो वो पानी छोड़ देता है और जो उसकी क्वांटिटी है वो भी एकदम श्रिंक होके कम हो जाती है। तो ये देखें, मैंने पत्तों को ऐड कर लिया और मैं इसे चला रही हूँ। अब मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है तो जैसे कि आप देख रहे हैं पत्तों की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, यानी कि कम हो रही है। और एक चीज़ का ध्यान दें, पत्तों से जो पानी निकल रही है उसी में हमारी जो दाल है वो भी पक जाएगी। तो कभी भी हरे पत्ते की सब्ज़ी बनाते वक्त ऊपर से हमें पानी ऐड नहीं करना है। आप चाहे तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखें और ज़रूरत पड़े तो नमक को एडजस्ट करें। और हमें इसे बस और 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। फ्लेम को बंद कर दें और सब्ज़ी को ढक कर 2 से 3 मिनट तक रख दें। 2 से 3 मिनट बाद चेक कर लें, सब्ज़ी बनके तैयार है। इसे आप रोटी, फुलका या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।